हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। टुडे वी हैव स्पेशल गेस्ट जतिन जी। सो जतिन जी को आप जानती होंगे यार, इनका एक स्पेशल चैनल है चेजी कोड, ये प्रो एंड्रॉइड डेवलपर हैं। सो आज के हमारे गेस्ट जतिन जी हैं। तो जतिन जी से हम क्वेश्चन पूछ रहे होंगे क्या यार, अगर मान लो कि आप अगर मेरी ये पॉडकास्ट देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, और आपको लाइक अब करना है एंड्रॉयड डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपर बनना है, तो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप, पहले आपको ये करना चाहिए, सेकंड टाइम ये करना चाहिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ये करो, अगर आप एक प्रोफेशनल वर्किंग हो, फिर अगर सोचना चाहते हो कि यार मोबाइल डेवलपमेंट में मैं स्विच करूं, तो आपके लिए क्या स्टेप रह सकते हैं यार। इस पॉडकास्ट में आपको सारे डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे पानी की तरह। तो बने रहो यार इस पॉडकास्ट में। चलो फिर इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पता है यार करना क्या है, कर दो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो वेलकम टू जतिन जी, प्लीज ओवर टू यू। So hi everyone, my name is Jatin. So I've been working on Android from 2011. So काफ़ी टाइम हो गया मुझे एंड्रॉयड करते हुए. आई ऑल्सो रन अ चैनल बाय द नेम चीजी कोड. सो इफ यू हैवन वॉच्ड इट, यू कैन वॉच द वीडियोज आई हैव क्रिएटेड ऑन एंड्रॉयड. सो दैट इज इट अबाउट मी. कूल। सो जतिन जी एक बात बताइए, मान के चलिए अभी हमारे पॉडकास्ट जो है अभी स्टूडेंट देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हो सकते हैं। अब उनके दिमाग में आई क्या, चलो यार मोबाइल डेवलपमेंट करते हैं, मोबाइल ऐप बनाते हैं, लाइक जैसे हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो ऑन, उस टाइप के एप्लीकेशन बनाना है, उसमें ही अपना फील्ड बनाना है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए? तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे आप जावा चूज करो या कॉटलिन चूज करो. तो पहले आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को होल्ड होना चाहिए आपके पास कि भैया मुझे जावा अच्छे से आती है, अब क्या करना चाहिए. तो अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली है, वो जावा स्क्रिप्ट भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप जावा या कॉटलिन ही करो, बट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप सीखो, उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर लो. वंस वो डन हो जाता है, उसके बाद आप कॉटलिन, आपको एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन आनी चाहिए. आप कई लोग आईओएस पे भी जाना चाहते हैं, तो आईओएस का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको कॉटलिन आनी चाहिए. तो आपके जो बेसिक्स आपने सीखे थे इससे पहले वो आपके यहाँ पे काम आएंगे. वंस वो आपके रेडी हो जाते हैं, मतलब आप कॉटलिन में कोड करना सीख जाते हो, तब आप एंड्रॉयड स्टार्ट कर सकते हो. एंड्रॉयड स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी आप एक सिंपल सी ट्यूटोरियल वीडियोज देख लो कहीं पे भी, मतलब नॉट जस्ट माई चैनल और समीज चैनल, आप कहीं पे भी आप एक ट्यूटोरियल वीडियो को फॉलो करो, उसका एंड टू एंड आप कंप्लीट करो, उसके बेसिस पे आप अपनी एक ऐप बनाओ. जो भी आपने उससे सीखा है उसके बेसिस पे आप उसका एग्जाम्पल लेके, उसको इंस्पिरेशन लेके आप एक अपनी ऐप क्रिएट करो. तो उससे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे. वंस वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपकी राह खुल जाएंगी, आपको डिफरेंट डायरेक्शंस मिल जाएंगी कि आपको भैया म्यूजिक एप्लीकेशन बनानी है, या व्हाट्सएप का क्लोन करना है, या आपको मेक माई ट्रिप जैसी ऐप बनानी है. तो इस तरीके की जो ऐप्स हैं वो आप सोच पाओगे एटलीस्ट. जब आप सोच पाओगे तो आप कर भी पाओगे, तो आप उसके डायरेक्शन में आप चीज़ें सर्च करोगे कि भैया मुझे मेक माई ट्रिप बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. तब आपको पता चलेगा कि भैया मुझे तो बैकएंड भी चाहिए, तो आपको थोड़ी सी बैकएंड की नॉलेज लेनी पड़ेगी. अब बैकएंड में आप इनिशियली आप फायरबेस का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो फ्री है और वो APIs भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप, जिसके थ्रू आप डेटा स्टोर करा सकते हो उसमें. तो आप फायरबेस से रूबरू हो जाओगे. तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे. तो जब भी आप एंड्रॉयड की बात करो, तो एंड्रॉयड में सबसे पहले आपको एक्टिविटीज़, फ्रैगमेंट्स, ये कैसे काम करते हैं वो सीखना पड़ेगा. वंस आप वो सीख जाओगे तो थीमिंग के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिसोर्सेज की बात करनी पड़ेगी, लोकलाइजेशन कैसे करते हैं कि मुझे हिंदी में भी टेक्स्ट दिखाना है, इंग्लिश में भी टेक्स्ट दिखाना है, तो वो चीज़ें कैसे करेंगे. तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे. कोशिश ये करना कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट्स बना बना के चीज़ें करो, तो ज़्यादा सीख पाओगे. तो ये मैं सजेस्ट करता हूँ. मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी ऐसे ही सीखा है कि मुझे प्रोग्रामिंग आती थी, अब मुझे पता चला कि भैया मुझे एंड्रॉयड सीखना है, तो मैंने एक इनिशियल ऐप बनाई. उसके बाद मुझे आइडिया लग गया कि हाँ ये चीज़ें हैं जो मुझे उसके अंदर और डीप जाना है. तो जैसे फ्रेगमेंट्स की मैं बात करूँ, तो फ्रेगमेंट के अंदर मुझे और जाना है. अब इनिशियली आप ऐप बना रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आप गंदा कोड लिख रहे हो या अच्छा कोड लिख रहे हो. कोडिंग जो है वो धीरे धीरे ही इंप्रूव होती है. बंदा एक दिन में गिटार बजाना नहीं सीखता, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि धीरे धीरे आप अच्छा गिटार बजाना सीखते हो. तो सेम इसी तरीके से आप धीरे धीरे अच्छी प्रोग्रामिंग करना सीखते हो. दूसरों का कोड पढ़ो, गिटहब पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, उनको पढ़ो, उन्होंने क्या कोड लिखा है, कैसे लिखा है और क्यों लिखा है. ये चीज़ें तीनों जब आप देखने लग जाओगे किसी कोड बेस में, तब आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. तो इसी तरीके से आप नॉट जस्ट एंड्रॉयड डेवलपर, आप किसी भी टेक्नोलॉजी फील्ड में आप इस तरीके से ग्रो कर सकते हो. बहुत सही।
सो जतिन जी ये बताइए, ये तो आपने बता दिया कि एज अ स्टूडेंट आपको ये करनी चाहिए, पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, देन उसके बाद ये सब जो भी आपने कॉन्सेप्ट के नाम लिए, एक्टिविटी फ्रेगमेंट, ये सब लर्न करो। अगर कोई प्रोफेशनल है, वो एक वेब डेवलपर है या कोई और भी डेवलपर है, लाइक बैकएंड इंजीनियर कुछ भी हो सकता है, वो मोबाइल ऐप डेवलपर नहीं है, वो अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आना चाहता है, मोबाइल डेवलपमेंट में, तो उस बंदे के लिए क्या स्टेप रह सकते हैं? अब वो वही सेम स्टेप्स होंगे, वेब डेवलपर है मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है उसको, तो वो उसको तो थोड़ा मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उसे गूगल सर्च करना आता होगा, कोड करना आता होगा, तो कोड सर्च भी करना आता होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा ईजी होगा एज कम्पेयर टू वो बंदा जो बिल्कुल न्यू भी है। तो वो क्या कर सकते हैं कि मैं गूगल की जो डेवलपर साइट है उस पर जाएँ, वहाँ पर एक सिंपल सा ट्यूटोरियल दे रखा है, उसको फॉलो कर लें। वंस वो फॉलो कर लेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि भैया ये चीज़ें हैं, इनके इसी के बेसिस पे हमारी ऐप रन होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई वेब डेवलपर है और उसे थोड़ी सी अच्छी मतलब थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी प्रोग्रामिंग आती है, मतलब उसने 1-2 साल काम किया हुआ है, तो अगर उसको एंड्रॉयड सीखना है तो मैक्सिमम 1 वीक लगेगा उसको, 1 आवर तो नहीं, 1 वीक लगेगा उसको एक ऐप बनाने के लिए। और उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई एंड्रॉयड के केस में या मोबाइल के केस में ये चीज़ें ऐसे ऐसे काम करती हैं, तो 1 वीक के अंदर वो अप एंड रनिंग हो जाएगा। बट वही वाली बात आती है यहाँ पे कि अगर कैमरा की ऐप बनानी है तो आपको कैमरा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अगर म्यूजिक की ऐप हाँ बनानी है तो म्यूजिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हर किसी सही को हर बात, चीज़ नहीं आती होती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने क्रेड बेस्ड एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है, मतलब ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो गई या ऐसी ऐप्स जिसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन होती हैं कि भैया डेटा गया, डेटा आया और उसको दिखा दिया, तो इस तरीके की ऐप्स पे मैंने ज़्यादा काम किया है, तो उसी के ऊपर मैं ज़्यादातर वीडियोज़ भी बनाता हूँ। तो प्लेयर हो गया, वीडियो प्लेयर हो गया आपका या म्यूजिक प्लेयर हो गया, वो बनाना इट्स लाइक कि आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी पहले, तभी आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। सही बात। सो जतिन जी ये बताइए कि क्या हमें नेटिव सीखनी चाहिए या फिर हाइब्रिड सीखनी चाहिए? दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, तो प्लीज क्लियर कीजिए। तो मेरा इस पे आंसर ये होगा, मतलब मेरा ये टेक है, ये डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरी सोच है, मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ कि दोनों चीज़ें आनी चाहिए, चाहे आप हाइब्रिड सीख लो चाहे आप नेटिव सीख लो, बट अगर आपको दोनों का टेस्ट होगा तो आपके लिए काम करना इजी हो जाएगा। आप हाइब्रिड की मैं बात करूँ तो उसके पीछे चल तो आपका नेटिव ही रहा है, मैं फ़ोन की ऐप की बात करूँ मतलब कोडोवा की बात करूँ या आयोनिक की बात करूँ जो एंगुलर के साथ चलती है, या आपके रिएक्ट नेटिव हो गए, फ्लटर हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैक एंड पे आपका एंड्रॉयड का नेटिव या iOS का नेटिव यूज़ कर रही हैं, तो अगर आपको नेटिव की नॉलेज होगी तो आप अच्छे से कोड कर पाओगे। बट आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो आप हाइब्रिड ऐप्स पे भी जा सकते हैं। हाइब्रिड ऐप्स कैसे बनाते हैं, फ्लटर या रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके, तो ये दो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं आजकल, तो इन्हीं का यूज़ करके लोग ऐप्स क्रिएट कर रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो दोनों पर काम कर रही हैं, नेटिव पर भी काम कर रही हैं और हाइब्रिड ऐप्स पर भी काम कर रही हैं। तो अगर आपके सिंपल ऐप्स हैं जैसे कि क्रड बेस्ड एप्लीकेशन हो गई, तो अगर आपको वो क्रिएट करनी है तो आप हाइब्रिड ऐप्स पर जा सकते हैं। अगर आपको नेटिव फीचर्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए तो आपको नेटिव का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा टेक ये होगा इस पे कि दोनों चीज़ें आनी चाहिए, बट आप क्या करो एक स्टार्टिंग में आप नेटिव सीख लो, उसके बाद आपको एक एडवांटेज मिलेगा जब भी आप हाइब्रिड ऐप्स पे जाओगे, क्योंकि आपको एंड्रॉयड सिस्टम या मोबाइल सिस्टम काम कैसे करता है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप ये एक सही आंसर होगा इसका। सही बात, एग्जैक्टली। सो होप सो ये आंसर यार सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि यार हमें समझ में आया कि हम इस तरीके से मोबाइल डेवलपमेंट में हमें अगर एंटर करना है तो ये पूरा रोड मैप बता रहे हैं प्रोफेशनल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर मुझे जॉब लेना हो एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर या एंड्रॉयड डेवलपर, तो मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करूँ, मैं मेरे को कितने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने चाहिए, कैसे बनाना चाहिए वो बता दीजिए। तो यार इंटरव्यू की तो ऐसे बात होती है कि आपके स्किल्स के बेसिस पे ही चेक होता है, मतलब आप कहीं पे भी जाओ, मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूं या एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात करूं या बैकएंड डेवलपमेंट की बात करूं, तो वहाँ पे आपके स्किल्स कितने अच्छे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से क्लैरिटी है उनकी, तो उसी के बेसिस पे जज करते हैं बंदे। अब प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो सपोज एंड्रॉयड ऐप्स की बात करूं तो एंड्रॉयड ऐप्स के केस में आपका एक पोर्टफोलियो रेडी होना चाहिए, आपने डिफरेंट तरीके की ऐप्स बनाई हो, बट उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसपे आपको बिल्कुल एकदम चीज़ें जो है वो कंठस्थ हों। कंठस्थ से मतलब ये है कि आपको चीज़ें रटी हुई हों, रटने का मतलब ये नहीं है आपने कोड रटा हुआ है, सिंटेक्स रटा हुआ, वो चीज़ें काम कैसे करनी है उसकी क्लैरिटी है अगर आपको, तो आपके चांसेस थोड़े से हाई हो जाते हैं। अब जॉब्स ढूंढे कैसे, तो एक पहले सबसे पहले आप ये करो कि 6 महीने तक आप अपने ऊपर काम करो, अपना स्किल डेवलप करो, उसके बेसिस पे जो एप्स आपने बनाई है, जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं बिल्कुल न्यू भी हूँ, मेरे को एंड्रॉइड के बारे में कुछ नहीं पता है, बट मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है, मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर लेता हूँ और उसके बेसिस पे मैं जॉब ढूंढना चाहता हूँ। तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो सपोज मेरा कॉलेज छूट चुका है, अब मैंने क्या किया, 3 3 मंथ्स मैंने लगाए एंड्रॉयड सीखने में। एंड्रॉयड सीखने का मतलब ये कि पहले कॉटलिन सीखी अच्छे से, कॉटलिन सीखने के बाद मैंने एंड्रॉयड सीख ली,
तो आई गेस 3 से 6 मंथ्स लगेंगे आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, ठीक है? 6 मंथ्स लग गए हैं आपके, आपको अच्छा सा एंड्रॉइड आ गया। मीन वाइल आपने 6 मंथ्स के अंदर कुछ एप्स भी बनाई हैं, तो आप उसको प्ले स्टोर पर पब्लिश कर दो। प्ले स्टोर पर पब्लिश करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उससे पैसा कमाना है, आपको क्या करना है उसको एज अ शोकेस यूज करना है कि भैया मेरी ऐप के अंदर ये फीचर्स हैं। ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है फॉर एग्जाम्पल, टोकन्स कैसे स्टोर कराते हैं अपनी ऐप के अंदर, डेटाबेस का कैसे यूज करते हैं, रूम डेटाबेस का कैसे यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आती हैं। सर्विसेज क्या होती हैं, वर्क मैनेजर्स क्या होते हैं, तो आपको अच्छे से एक आइडिया हो गया कि भैया मुझे ये चीजें करनी है और मैंने ये अपनी चीज ऐप के अंदर इंटीग्रेट करी है। ऑफलाइन सपोर्ट कैसे देना, ये सब चीजें, नोटिफिकेशन, तो ये सारी चीजें मेरे को आइडिया हो गया कि भैया मैंने 6 महीने में इसी चीजों पर काम किया और मैंने इस तरीके से कुछ ऐप्स बना लिए। नॉट जस्ट 1 और 2 ऐप्स, मैंने 3-4 ऐप्स बनाई है और मैंने कोशिश भी करी उनकी मार्केटिंग करूँ, मार्केटिंग कैसे करते हैं वो भी थोड़ी सी आनी चाहिए एज अ डेवलपर, तो ये एक स्किल है। तो आपने थोड़े से डाउनलोड्स लिए हैं, आप सपोज 1000 के करीब आपकी ऐप्स पे डाउनलोड्स आ गए हैं, तो 6 महीने के अंदर आपने ये एक्टिविटी करी है। अब आप अप्लाई करो जॉब्स पे। जॉब्स पे कहाँ अप्लाई कर सकते हो, इंस्टा हायर एक प्लेटफॉर्म है, ट्विटर पे आप, लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हो, काफ़ी सारे लोग पोस्ट डालते हैं कि हम हायर कर रहे हैं, तो उन पे आप अप्लाई करो। जब तक आप 50-60 कंपनीज में अप्लाई नहीं करोगे एज अ फ्रेशर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से कम है। हो सकता है कि आप एक ऐसी जगह पे भी जाओ जहाँ पे आपका जो 1 साल के बंदे ढूंढ रहे थे या 2 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे ढूंढ रहे थे, आपके पास इतनी स्किल है, आपके पास इतनी नॉलेज है कि वह आपको हायर कर लेंगे वो। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक पोर्टफोलियो बनाओ डिफरेंट ऐप्स का, कि सपोज मैंने एक अच्छी सी क्रेड एप्लीकेशन बनाई है। क्रेड एप्लीकेशन का मतलब मैं फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, या आपकी MMT मेक माई ट्रिप या बुक माई शो जैसी कोई ऐप बनाई है आपने जिसमें सारे फीचर्स लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट मिमिक करने हैं आपको, जो फीचर्स उसमें देखते हो आप वो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, तो वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर लोगे आपका एक पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा और होपफुली आप सेलेक्ट हो जाओगे अगर आपके पास स्किल होगा। कोड रटना नहीं है, कोड समझना है, चीज़ें कैसे काम करती है वो जान जाओगे, तो आपको अच्छे मतलब मेरे को ये लगता है कि बंदों के पास स्किल की कमी है। बंदे ऊपर ऊपर से प्रोजेक्ट कहीं से कॉपी कर लिया और बना दिया और वो सोच रहे हैं कि नौकरी लग जाएगी, नहीं लगेगी, उनको सीखना ही पड़ेगा, मतलब उनको आनी चाहिए चीज़ें तभी उनकी नौकरी लगेगी। तो यही सजेशन है कि एक पोर्टफोलियो रेडी कर लो, उसके बेसिस पे आप जॉब अप्लाई करो तो जरूर मिलेगी आपको नौकरी। यही सेम चीज मतलब प्रोफेशनल्स के लिए भी यही चीज लागू होती है कि नॉट जस्ट बट प्रोफेशनल के केस में ये होगा कि उन्होंने कोड कैसा लिखा है, कोड क्लैरिटी, उनकी कोड क्लीन कितना लिखा है उन्होंने, टेस्ट केसेस लिखे हैं या नहीं, तो उस चीज़ों पे भी जज होगा। उनका बिल्ड स्ट्रक्चर कैसा है कि ऐप बिल्ड कैसे होगी, उन्होंने डिप्लॉय कैसे किए, तो ये सारी चीज़ें भी उनकी कंसिडर होती हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखी, क्योंकि वो थोड़े से सीनियर है तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अच्छा कोड लिखाओ। एक्जेक्टली, सही बात है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एज अ मोबाइल डेवलपर हमें सिस्टम डिजाइन पढ़ना चाहिए या हमें उसमें कितना लाइक नॉलेज होना चाहिए? तो यार सिस्टम डिजाइन की तो ये बात है कि अच्छा कोड कैसे लिखते हैं, तो वो क्लैरिटी आपको तभी आएगी जब आप थोड़े से सिस्टम डिजाइन करोगे। सिस्टम डिजाइन बैकएंड सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे, एंड्रॉयड ऐप की बात कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड ऐप के केस में मतलब क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो हमारी टॉक है ये एंड्रॉयड रिलेटेड है, तो मैं एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ सब जगह पे अप्लाई होती है। तो एंड्रॉयड के केस में आपने आर्किटेक्चर कैसे चूज़ किया, आपके पास कोई ऐप आई आपने कौन सा आर्किटेक्चर चूज़ किया और क्यों चूज़ किया, पहला क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी सिस्टम डिज़ाइन की नॉलेज होनी चाहिए। सिस्टम डिज़ाइन हाई लेवल भी होता है, लो लेवल भी होता है। तो लो लेवल में आपके बेसिकली क्लास के कॉन्सेप्ट आते हैं, ऊप्स आपकी कितनी अच्छी है, डिज़ाइन पैटर्न्स आपने कैसे लगाए हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स आपको कितने आते हैं, आपने आर्किटेक्चर क्यों चूज़ किया अपनी ऐप का, इस तरीके से आपकी ऐप क्यों काम करती है, तो वो चीज़ें अगर आपको क्लैरिटी होगी तो आपका थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कोड को एक्सप्लेन करना। तो डिज़ाइन पैटर्न्स आपको अच्छे से आने चाहिए। तो सिस्टम डिज़ाइन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सिस्टम डिज़ाइन में आपको लो लेवल डिज़ाइन पर ज़्यादा फोकस करना है। लो लेवल डिज़ाइन में आपके डिज़ाइन पैटर्न्स आते हैं, आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, आपके आर्किटेक्चर पैटर्न्स आते हैं, MVP, MVI, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अगर आपको इस पर क्लैरिटी है तो आप इजीली कोई इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। इवन जो आपकी ऐप्स होंगी ना उस पर वो दिखेगा कि बंदे को ये चीज़ें पता हैं कि सिंगलटन पैटर्न क्यों यूज़ किया है। और लोग कुछ लोग रिकमेंड नहीं करते हैं सिंगलटन पैटर्न, बट सिंगलटन पैटर्न हो गया आपका, फैक्ट्री पैटर्न हो गया, तो ये पैटर्न्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप जो आपका क्लास का स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा मेंटेनेबल होगा और एक्सटेंसिबल ऐप आप लिख पाओगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले गंदा कोड लिखना सीख लो, मतलब गंदा कोड नहीं लिखोगे तब सीख लो। हाँ, पहले कोड लिखना सीख लो, गंदा ही होगा वो इनिशियली। गंदा कोड जब आप लिखोगे तभी आपको पता चलेगा अच्छा ये तो गंदा लिखा गया है, अगर इसको इस तरीके से लिखते तो अच्छा मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। तो सिस्टम डिज़ाइन दोनों के लिए, चाहे आप बैकएंड डेवलपर हो चाहे आप एंड्रॉयड डेवलपर हो, तो दोनों में काम
आता है, मतलब दोनों चीज दोनों बंदों को सीखना चाहिए, बट मैं ये कहूँगा थोड़ा सा होल्ड कर लो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो। नहीं आता कोई बात नहीं, गंदा कोड लिख के आप ऐप पब्लिश करो, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप सीखते रहना, क्योंकि टेक्नोलॉजी में नेवर एंडिंग है लर्निंग। सही बात, कूल सर। अब हमें पूरा लाइक रोड मैप समझ में आ गया कि हाँ ये करना चाहिए स्टूडेंट के लिए, प्रोफेशनल के लिए ये। अब अगर मेन फोकस की बात करें कि अगर जॉब मिलती है एज अ फ्रेशर, तो मार्केट में मुझे कितना सैलरी मिल सकता है? अगर मैं 2 या 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं स्विच कर रहा हूँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट में या मोबाइल डेवलपमेंट में, तो मुझे कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं मार्केट से? बिल्कुल, तो यार सैलरीज की ये बात हुई कि कई जगह पे मतलब अगर आप YouTube पे देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स मिलेंगे, लाखों में कमा रहे हैं, मतलब एनुअल पैकेज उनका बहुत 20 LPA 40 LPA भी मिल रहा है लोगों को, फ्रेशर्स को। बट थोड़ा रियल फिगर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी छोटी एजेंसीज होती हैं जहाँ पे आपको थोड़ा कम पैसा मिलेगा और वहाँ पे आपको ईजिली जॉब भी मिल जाएगी। वहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी भी ऐप लिखनी आती है, थोड़ा सा काम करना आता है, तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी, बट वहाँ पे पैकेज इतना अच्छा नहीं होगा। तो स्टार्टिंग पैकेज आप मान सकते हो 6 लाख पर एनम का आपको पैकेज लग जाएगा एज अ फ्रेशर। एज अ फ्रेशर तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आपका मंथली निकल जाएगा। तो 6 लाख के अराउंड आपका पैकेज, 6 to 8 मान लेते हैं, 6 to 8 के बीच में आपको अच्छा खासा 2 साल 3 साल, 2 0 to 2 को आप 6 to 8 के बीच में या 6 to 10 के बीच में सेग्रीगेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी तो आप 12 से 14 के बीच में चले जाओगे, 2 साल से 4 साल के बीच में, या 2 साल से 6 साल के बीच में आप 12 से 16 के बीच में आप लैंड कर सकते हो जॉब। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो वो आप अपर वाले बैंड को हिट कर रहे होगे, 16 वाले पोर्शन को। बट अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो 12 से 16 नहीं कमा सकता है, कमा सकता है बिल्कुल, वो उसके स्किल पर डिपेंड करता है। अगर उसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, उसने अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, लोग जानते हैं उसे, कोड लिखना आता है उसको, तो अच्छा वो 12 से 16 के बीच में भी लैंड कर सकता है। तो 2 से 6 साल के बीच में आप 12 से 16 के बीच में अर्न कर रहे होगे। उसके बाद अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो उसकी फिर लिमिट नहीं है, वो तो फिर आपके टोटल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि आपको 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपने अच्छा खासा एक ऐप्स पे काम किया होगा, 6 साल के पीरियड में आपने अच्छी खासी ऐप्स बनाई होंगी, तो वो उसके बेसिस पे जज होगा कि आपका स्किल कितना है। तो वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, 40 भी मिल सकता है, 30 भी मिल सकता है, तो वो आप धीरे धीरे आप ग्रो करते हो। तो जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपको क्लियर होता रहेगा कि मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे मुझे कितना पैकेज मिलना चाहिए। जनरली कंपनीज क्या करती हैं कि आपका जो प्रीवियस पैकेज है उसके ऊपर भी डिसाइड करती हैं। बट अगर आपके पास स्किल्स हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज किसी की एक्स सैलरी है, तो जो नेक्स्ट कंपनी होगी वो 30 से 50% के बीच में आपको हाइक देगी, कि भैया आपका लास्ट पैकेज जितना था उस पर 30% देते हैं या 50% देते हैं। 50% मतलब एक्सट्रीम हो जाता है, 50% बहुत कम कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो ये अज्यूम ही नहीं कर सकते, अगर आपके पास स्किल है तो वो 50% भी देने को राजी हो जाएंगी। तो एक्स पे 30% आपको हाइक मिल जाएगा नॉर्मली, और अगर आपके पास स्किल है तो 50% भी मिल सकता है। तो यही साइकिल आगे तक फॉलो होती है। तो जितनी भी मैं अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट और इन सब कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका तो एक बैंड होता है कि भैया आप इस वाले लेवल पे हायर हो रहे हो तो आपको इतना पैकेज मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपकी प्रीवियस सैलरी कितनी थी। बट जो नॉर्मल कंपनीज हैं, जितनी एजेंसीज होगी या छोटी कंपनीज होगी, उनमें आपको इस तरीके के पैकेजेस मिल जाएंगे। छोटी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही छोटी है, 1000 एम्प्लॉयज वाली कंपनी में भी आपको इस तरीके का ही HR का आपको पॉलिसीज दिखेंगी कि आपको 30 से 50% का हाइक ही मिल रहा होगा। तो 0 to 2 के लिए अगर समराइज करें इसको, तो 0 to 2 के लिए, हाँ, 6 to 8 के बीच में मिल रहा होगा। 2 से आप 6 ईयर्स के बीच में, तो 12 से 14 के बीच में या 12 से 15 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद तो फिर आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आपको जितने जैसे एक्सपीरियंस होता रहेगा आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना मांगना चाहिए या मेरे साथ के बंदे कितना ले रहे हैं। तो उसके बेसिस पे भी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड को तो इतना मिल रहा है तो मुझे एटलीस्ट इतना तो मिलना ही चाहिए, और मैं, मेरे को उससे थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है, तो ये आ ही जाता है कंपैरिजन दिमाग में कि हाँ भाई मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है। तो वो नॉलेज आपको दिखाने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ कर सकते हो? आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप वीडियोस बना सकते हो, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे आप अच्छे खासे अपनी जो लर्निंग्स हैं वो आप शेयर कर सकते हो, तो इस तरीके से आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो आज की तारीख में सोशल जो है वो काफ़ी एक्टिव आपको होना पड़ेगा, तभी आपकी विजिबिलिटी बनेगी। सही बात है, एग्जैक्टली। ओके सो जितिन जी, आपने पूरा ओवरऑल सब सारी चीजें बता दी, एक एंड में इस पॉडकास्ट के एंड में आप एक समरी आप दे दो, मतलब एक हमारे व्यूअर्स जो हैं अगर करना चाह रहे हैं तो ए टू जेड जो इस पॉडकास्ट का एक कंक्लूजन बोल सकते हैं अपन, वो आप बता दो कि हाँ आप पहले ये कर लो फिर ये कर लो, डेफिनेटली ऐसा।
तो यार इसको कंक्लूड करने के लिए तो मतलब ये वाली बात होगी, एक बार थोड़ा सा दोबारा से देख लेना इसका वीडियो। समीर बहुत एफर्ट डालता है वीडियोज में, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा समीर इज क्वाइट एक्टिव, समीर कोशिश करता है कि बंदों को लेके आए। तो पहले तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, थोड़ा सा इसको भी सपोर्ट मिलेगा। दूसरा ये है कि कोई भी चीज़ ना आप टाइम देने से ही सीखोगे। अगर आप किसी चीज़ पे आप ये सोचो कि मैं रातों रात ये कर लूँगा तो नहीं कर पाओगे। सेम आप एंड्रॉयड कर रहे हो, वेब कर रहे हो या कुछ और भी काम कर रहे हो, तो आप ये मत सोचना कभी भी कि मैं हफ्ते में ये, जैसे आजकल कोर्सेज आते हैं कि बिकम एन एंड्रॉयड डेवलपर इन 1 वीक, नहीं बन हाँ सकते आप, नहीं बन सकते, लिख के ले लो। वो सिर्फ वही कर पाओगे जो उस बंदे ने किया है, उस बंदे ने जो आपको कोड लिखवाया वो कर लोगे। उसके उसके बाद अलावा आपके पास कोई नई प्रॉब्लम दे दी तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये वाली बात हटा दो कि एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में आप कुछ भी सिग्निफिकेंट कर पाओगे। अगर आपको कुछ सिग्निफिकेंट करना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत इन टर्म्स ऑफ आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा धीरे धीरे। आपको कोडिंग के केस में ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, आपने कितनी एरर्स देखी है अपने लाइफ टाइम में, तो वो आपका मैटर करता है कि हाँ भाई मेरे को ये वाली एरर आई है तो इसका कैसे सोल्यूशन होगा। अगर आपने वो देखी होगी तभी आप उसको इजिली जज कर पाओगे, अच्छा हाँ इसके लिए सही तो ये करना है। तो सोल्यूशन, या तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो कोडिंग करनी है तो उसमें एफर्ट डालने पड़ेंगे, एटलीस्ट 6 मंथ्स तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी ये कंटिन्यूअस लर्निंग है। टेक्नोलॉजी में अगर आप रहना चाहते हो, अपडेटेड रहना चाहते हो, अच्छे खासे पैसे अर्न करना चाहते हो, तो आपको हर दिन सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो बस यही है, इसको समराइज मैं यही करना चाहूंगा, टाइम मेहनत करनी पड़ेगी यार। दो। हाँ ओके सो होप सो गाइस यार ये वाला पॉडकास्ट आप लोग को बहुत सही लगा होगा। सही लगा होगा तो सपोर्ट करना। जतिन जी का जो चैनल का लिंक है वो आपको मिल जाएगा दिखने को, आप वहां पर भी जाके ट्यूटोरियल देख सकते हो। एंड कीप सपोर्टिंग यार, ठीक है, और सब्सक्राइब वगैरह कर लो। थैंक यू सो मच जतिन जी फॉर थैंक योर यू, टाइम। थैंक यू। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।